नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आपका स्वागत है सुधीर ऑनलाइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी अब गुड न्यूज आई है। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट 10 के एग्ज़ाम दिए थे उसका रिजल्ट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मोबाइल से ही स्टेप बाई स्टेप रिजल्ट को चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है बिना मिस्टेक की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जानी है, जो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी। अगर आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने में कोई इस प्रकार की दिक्कत हो रही तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे दिया हूँ, आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो देखिए, यहाँ अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालकर एक कैप्चा को डालकर सीधे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ से नहीं देखेंगे तो ऊपर से में देखिए, ऊपर में जो नोटिस बताया गया है यहाँ होम पेज पर से, यहाँ नोटिस किसी प्रकार की एसएससी की तरफ से नोटिस आती है तो नोटिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। या किसी प्रकार के फॉर्म की अप्लाई करना तो अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। या एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। आंसर के आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। एट लास्ट में ऑप्शन जो है से रिजल्ट का, किसी भी एसएससी की तरफ से कोशिश पर किसी भी का रिजल्ट आता है तो आप यहां से सीधे रिजल्ट पर क्लिक करेंगे एंड किसी भी चीज़ का। तो चलिए सिंपली मैं रिजल्ट चेक कराऊँ तो रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। यहां पास क्लिक कर देने के बाद देखिए सिंपली सभी एसएससी की तरफ से जितनी भी पोस्ट है उस सभी का यहाँ से रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे सीजीएल का आया तो सीजीएल का चेक कर सकते हैं, सीएचएसएल का चेक कर सकते हैं, कैफी का चेक करते हैं, कॉन्स्टेबल का चेक कर सकते हैं, जीएचटी का चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ फेस 10 की जो एसएससी से फेस 10 की जो रिजल्ट आया उसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसमें सिंपली नहीं है तो सिंपली अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पास आ गया है फर्स्ट में ही जो इसका रिजल्ट आया है 18 नवंबर 2022 को आया फेस 10 की। तो चलिए इसका मैं रिजल्ट चेक करके बताता हूँ। तो सिंपली आपको रिजल्ट का जो ऑप्शन है सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड कर लेनी है इस पीडीएफ फाइल को, जो रिजल्ट आया है इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इसे पीडीएफ फॉर्मेट में ले जाएगा, सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद सिंपली देखिए आपको सामने रिजल्ट जो है सो सभी रीजन का रिजल्ट यहाँ शो कर दिया है। देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो कि सभी रीजन का आपको यहाँ रिजल्ट आ गया है। तो सिंपली आपको चेक करना है, सिंपली से आपके पास इतना सारा रिजल्ट सभी रीजन का है तो आपको चेक करने में होगा दिक्कत। तो सिंपली ऊपर में जो देखिए ये बॉक्स दिखा दे रहा है आपको, सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अगर आपका नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं, या नाम से भी दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का आपका नाम के भी नाम हो सकता है टू कॉपी। तो सिंपली आपको यहाँ रोल नंबर लिख देनी है, जो भी आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर था सिंपली आपको रोल नंबर लिख देनी है। मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूँ। रोल नंबर लिख देने के बाद सिंपली यहाँ देखिए सर्च पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक स्टूडेंट का मैं रोल नंबर लिखा, सिंपली आपको कुछ इस प्रकार सिंपली आप देख सकते हैं। रोल नंबर लिख देने के बाद अगर आपका रिजल्ट हो गया होगा तो सिंपली आपको यहाँ दिखा देगी, यहाँ पर आप अपना रीजन वाइज दिखाएगा, यहाँ रोल नंबर आपको दिखाएगी, यहाँ नेम आपको बताएगा, यहाँ आए कैटेगरी रैंक दिखाएगा आप कितने कैटेगरी रैंक पर आए हैं। तो आप इस प्रकार अपने मोबाइल से एसएससी फेस 10 की जो है रिजल्ट आई है वो उसका आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को वॉच करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।